ये सेंचुरियन की अगर ग्राउंड की बात करता हूँ तो सेंचुरियन में हमने देखने को मिला कि ये बैटिंग फ्रेंडली सर्फेस है, जहाँ पे रन बहुत ज़्यादा बनता है, भर भर के बनता है। और अगर हम लोग बॉलिंग की बात करते हैं तो पेस बॉलर्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं यहाँ पे, वो भी खासकर अर्ली मूवमेंट के कारण और बाउंस के कारण। बाकी स्पिनर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्पिनर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो है यहाँ पे नहीं होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हिस्टोरिकली अगर बात करते हैं तो आप देखोगे तो जो फर्स्ट इनिंग का स्कोर है वो 180 है, लास्ट के 4-5 मैच में अगर देखोगे तो आपको 200 के आसपास जो है वो फर्स्ट इनिंग का स्कोर दिखाई देगा। तो आप इसे कह सकते हो कि यहाँ पे रनों की जो है ना बारिश होती है और बहुत ज़्यादा जो है रन बनते हुए नज़र आता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखे जाना है। अब बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड की बात करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत यहाँ पे नहीं आता, सिमिलर सक्सेस है। फर्स्ट इनिंग में जो है वो 14 यहाँ पे मैचेज हुए हैं टोटल, फर्स्ट इनिंग वाले जो है 7 जीता है, सेकंड इनिंग वाला जो है 7 जीता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा जो है आपको चेंजेस देखने को नहीं मिला है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब सेंचुरियन की बात करें तो देखो टोटल मैचेज जो है यहाँ पे 14 देखने को मिलेगा, जिनमें से 7 फर्स्ट मैच जीता है, 7 सेकंड मैच जीता है। और फर्स्ट स्कोरिंग पैटर्न देखोगे तो 150 से नीचे 4 स्कोर है, 150 से 70 के बीच में 2 स्कोर है, 170 से 90 के बीच में 3 स्कोर, और 190 से ऊपर 5 स्कोर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट एवरेज स्कोर देखोगे तो 180 है, ये टोटल 14 मैच में, लास्ट के 5 मैच में देखोगे तो 200 के आसपास है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब हाईएस्ट की बात करते हैं तो 258 रन है 5 विकेट पे, जो कि आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा है, और ये रन बनाए हैं वेस्ट इंडीज ने, तो उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा रन आपको सच में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे तो अगर लोवेस्ट की बात करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे 100 रन है, जो कि साउथ अफ्रीका, और भी 10 विकेट पे जो है आपको बनाया है। अब यहाँ पे जो है ये चीज़ बहुत ही ध्यान से समझना कि यहाँ पे इस वेन्यू पे बात करते हैं जो रिसेंट मैचेज हुए उनके, तो जो 4 मैचेज हुए हैं, एक 25 मार्च को, और ये था वेस्ट इंडीज का टूर साउथ अफ्रीका पे, फिर एक दो हुआ था 26 मार्च को, तो ये दो जो इस टूर में मैचेज हुए थे वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। उसके पहले 2021 में जब पाकिस्तान टूर किया था साउथ अफ्रीका का, तो वहाँ पे 2 मैचेस देखने को मिले इस ग्राउंड पे T20 की, तो एक 14 अप्रैल को हुआ और एक 16 अप्रैल को हुआ। अब इनके हम लोग बारे में देखते हैं तो देखोगे इस वाले मैच में 258 बना साउथ अफ्रीका, 259 बना के चेस कर लिया, और 2023 की बात है तो ये जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है रन बने थे। अब देखोगे तो पेस बॉलर्स ने जो है फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट लिया, सेकेंड इनिंग में 4 विकेट लिया, और वहीं अगर हम स्पिनर्स की बात करते हैं तो दोनों इनिंग में कोई विकेट स्पिनर्स को नहीं मिला था। आप ऐसे कह सकते हो कि स्पिनर डोमिनेशन जो है ये ग्राउंड नहीं था उस टाइम पे। उसके पहले की बात करते हैं, एक दिन पहले 25 नवंबर को, तो साउथ अफ्रीका में यहाँ पे 131 बनाता है और वेस्ट इंडीज जो है 132 बना के जो है वो चेस कर लेता है, और ये देखोगे 11 ओवर का है, 10 ओवर में चेस कर लेता है। और यहाँ पे देखोगे तो पेस बॉलर्स को पहले इनिंग में 6 विकेट मिलता है, दूसरे इनिंग में 4 विकेट मिलता है, और स्पिनर्स की बात करते हैं तो पहले इनिंग में सिर्फ 1 विकेट मिलता है और दूसरे इनिंग में 2 विकेट मिलता है, तो स्पिनर का डोमिनेशन जो है यहाँ भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिला। अब बात करते हैं इस वाले मैच में, तो देखोगे यहाँ पे साउथ अफ्रीका 144 बनाता है, 10 विकेट पे ऑल आउट हो जाता है, और यहाँ पे 149 बना के पाकिस्तान जो है वो जीत जाता है। और देखो पेस बॉलर्स तो फर्स्ट इनिंग में 9 विकेट मिलता है, सेकेंड इनिंग में 5 विकेट मिलता है पेस बॉलर्स को, और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स की बात करते हैं तो सिर्फ 1 विकेट मिलता है, पेस बॉलर्स को जो है 2 विकेट मिलता है। अब उसके 2 दिन पहले की बात करते हैं तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका 203 रन बनाता है 5 विकेट पे, और पाकिस्तान जो है वो 205 रन बना देता है 1 विकेट पे, और 18 ओवर में ये मैचेज चेस कर लेता है। अब वहाँ पर देखोगे तो जो फर्स्ट इनिंग था उसमें जो है आपको पेस बॉलर ने 3 विकेट लिया, और सेकेंड इनिंग में एक ही विकेट गिरा जो कि पेस बॉलर ने लिया था। और स्पिनर्स की बात करते हैं तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो स्पिनर्स था वो 2 विकेट जो है वो लेता है, और जो पेस जो सेकेंड इनिंग था उसमें जो है आपको कोई भी विकेट नहीं मिलता है। तो जो अब देखोगे टोटल डाटा की हम लोग बात करते हैं तो पेस बॉलर ने 37 विकेट लिया, जिनमें से 23 विकेट जो है फर्स्ट इनिंग में आया, 14 विकेट जो है वो सेकेंड इनिंग में आया, और अगर हम लोग स्पिनर्स की बात करते हैं तो टोटल 8 विकेट मिला, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग में 4 और सेकेंड इनिंग में जो है 4 विकेट देखने को मिलता है। तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिला हमें, और जो लिटरली चेंजेस था वो यही चेंजेस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें से देखोगे तो टोटल 45 विकेट गिरता है, जहाँ पे 37 विकेट जो है वो आपको देखने को मिलता है कि फास्ट बॉलर ने लिया, और सिर्फ 8 विकेट जो है वो स्पिनर्स ने लिया। तो यहाँ पे कह सकते हो कि जो स्पिनर्स का बोलबाला है वो इस ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, तो स्पिनर को हम लोग बहुत कम लेके चलेंगे इस ग्राउंड पे। अब कॉम्बिनेशन जो होगा कि फास्ट बॉलर को हमें रखना है, बैट्समैन को हमें ज़्यादा ज़्यादा पिक करना है, क्योंकि रन देखो इस तरीके के कुछ रन आपको बनते हुए नज़र आ सकता है इस ग्राउंड पे, तो बैट्समैन यहाँ पे रन बनाएंगे, और उसके साथ साथ हम लोग बॉलर्स पिक करेंगे, तो फास्ट बॉलर को ज़्यादा पिक करके जाएंगे दोनों टीमों से, तो ये चीज़ ध्यान रख के जाना है।